रनिंग एंड एक्शन। अरे रुक जा बेटा, मैं उठा लेती हूं। छोड़ छोड़, नहीं ना उठा लेंगे। अरे नहीं आलो, हां इधर बेटा तू ही सीख ले। हां मैम, जैसा कि दंगल टीवी का भी सिंदूर की कीमत का सीरियल चल रहा है जी, तो इसमें क्या किरदार है अपना, थोड़ा सा अपने बारे में एक थोड़ा सा बता दीजिए अपने फैंस को, फिर आगे का सवाल का क्वेश्चन करते हैं। श्योर श्योर। मेरा नाम जसविंदर गार्डनर है, मैं सिंदूर की कीमत में कल्पना का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। कल्पना अर्जुन और अश्विन की मदर है, जो कि बहुत ही सुलझी हुई औरत है, बहुत ही समझदार, हमेशा परिवार को साथ में लेकर चलती है, बहुत ही नर्म दिल की है और बहुत ही प्यारी है और हमेशा सबको खुश देखना चाहती है और उनकी खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो ये बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है और मुझे इसको प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है। इसमें बहुत सारे जो इमोशंस जो इस कैरेक्टर जो ये प्ले कर रहा है, इसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं और बहुत ही वेरिएशंस प्ले करने को मौका मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जैसा कि इसका टॉपिक ही है सिंदूर की कीमत जी, तो ऐसे में एक डायलॉग महेश बाबू तुम क्या जानो राइट राइट राइट, तो उसके बाद एक जो टॉपिक है जो काफी ज्यादा वायरल चलते रहता आज तक, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना मतलब वैल्यू होता है सिंदूर का? देखिए एटलीस्ट हमारे हिंदुस्तान में जो शादीशुदा औरत होती है उससे सिंदूर पहनाया जाता है, जो शादी के वक्त ही पहनाया जाता है, तो वो एक उसे ये ओहदा दिया जाता है कि तुम अब शादीशुदा हो। लेकिन ये जो सिंदूर है वो सिर्फ एक हस्बैंड और वाइफ का कनेक्शन नहीं है, वो उसके साथ उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां आ जाती है एज अ वाइफ, वो सब दर्शाता है। तो जो हमारी जो हिंदुस्तानी औरत है वो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करती है अपने परिवार को के लिए, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेती है, भले उसको कोई साथ दे ना दे लेकिन वो हमेशा अपनी फैमिली को लेकर चलती है। तो वो सिंदूर की कीमत वो ऐसे चुकाती है, अपने श्रम से, अपनी क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करके, अपने प्यार से या जिस तरीके से भी वो उस फैमिली को इकट्ठा रख सके, एक साथ रख सके, खुश रख सके, वो अपने उस सिंदूर की कीमत ऐसे चुकाती है। तो वही हमारे जो हिंदुस्तान में जो अक्सर जो घर घर में यही एक स्टोरी है, लेकिन हमारी जो ये स्टोरी है थोड़ी अलग है कि उसने जो सिंदूर लगाया अपने सर पे, जो मिश्री ने अपने सर पे सिंदूर लगाया या अर्जुन ने जो उसको लगाया, तो उसके बदले में वो क्या कर रही है, तो वो एक अलग इसकी स्टोरी है। क्योंकि ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं शादी, मतलब ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के ऊपर पूरी स्टोरी है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि वो फिर भी वो कैसे दोनों कनेक्टेड हैं, कैसे दोनों में प्यार होता है, कैसे वो मतलब दोनों जो बिछड़ गए थे वो एक्चुअली बचपन में बिछड़ गए थे और वापस बाद में आते हैं एक साथ, और उसको कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर कितना समझ लो अत्याचार होता है, तो भी वो फिर भी, जबकि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो मतलब वो रियल मैरिज नहीं है, फिर भी वो एक रियल मैरिड वुमन की तरह वो कैसे वो परिवार को लेकर चल रही है, कैसे सब सैक्रिफाइस कर रही है, बहुत प्यारी स्टोरी है। देखिए मैडम, सिंदूर की कीमत से अपन लगता है जिसे एक गांव की महिला है, फिर सिंदूर अपना पूरी मांग में फिर भरी हुई, जब मैं सेट पे देख रहा हूँ तो कोई फिर
वो किनारे से कोई हल्का सा कुने में हाँ। आपकी भी हल्के से दिख रही है, देखिए हाँ हमारा देखिए पूरा है लेकिन वैसे देखिए सिंदूर कीमत इसका मतलब कि ना तो दोनों मांग की है ना मतलब पूरा 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 पीछे तक ऐसा दिखता है हाँ। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा सिर्फ मतलब कोई कम लगाया तो हाँ हाँ इस पे क्या करना है एक्चुअली क्या है दो चीज़ें हैं एक तो क्योंकि ये हम लोग का ये डेली सोप है अगर जैसे हम मूवी कर रहे होते तो हमें पता है कि हमें 20-25 दिन करना है तो हम वो पूरा करके एक्चुअली ये सिंदूर प्रॉपर सिंदूर है ये जो हमने लगाया हुआ है ना ये रियल सिंदूर है ये कोई वो दूसरा वाला लिक्विड वाला नहीं है या फिर वो पेंसिल वाला नहीं है ये प्रॉपर सिंदूर है तो इससे क्या होता है ना रोज़ रोज़ लगाने में फिर रोज़ उसको वॉश करने में थोड़ा वो दिक्कत भी आती है क्योंकि वो एवरी सिंगल डे हमको पूरे कितने कितने घंटों तक लगाना पड़ता है और महीनों महीनों तक तो एज एन एक्टर थोड़ा वो थोड़ी हो जाती है प्रॉब्लम लेकिन हाँ एक्चुअली रियल लाइफ में तो लोग लगाते ही हैं तो एज अ मतलब मेकअप आर्टिस्ट को भी और फिर समझ लीजिए एज एन एक्टर ऑल्सो हम लोग को थोड़ी सी वो चीज़ों को मेनटेन करने में दिक्कत आती है क्योंकि कभी कभी वो नीचे सर के ऊपर आ जाता है फिर उसको वाइप करना पड़ता है कभी हाँ फैल जाता है तो फिर उसमें उसको समेटने में टाइम जाता है तो बस वो पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब थोड़ी समय की बचत हो क्योंकि हमें कट टू कट इतना सारा शूट करना पड़ता है उसकी वजह से रीटेक ना हो इसलिए हम लोग थोड़ा कम लगाते हैं लेकिन अदरवाइज़ हाँ शायद अगर ये मूवी हो रही होती तो कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मूवी में आपको वो लिबर्टी मिलती है आपको कोई टेलीकास्ट की इशू नहीं है तो हम शायद थोड़ा और भी भर के लगा सकते थे बाकी और कोई दिक्कत नहीं है और बाकी हाँ जो कैरेक्टर प्ले कर रही है जैसे यशोदा है उसने थोड़ा सा लगा क्योंकि वो दिखाया है कि भाई वो इतनी ज़्यादा घरेलू टाइप की है नहीं वो थोड़ा अलग उसका कैरेक्टर है मैंने पूरा लगाया है और मिश्री ने पूरा ऐसे लगाया है क्योंकि हमारा वैसा कैरेक्टर है कि हम लोग थोड़े घरे मतलब थोड़ी हिंदुस्तानी औरत की तरह मतलब हम वो फील करते हैं हमारे हम वैसे ही हमारी सोच है और उसी तरीके से हमारे परिवार की तरफ वैसी हमारी क्या बोलते हैं जिम्मेदारियाँ हम एक्सेप्ट करते हैं तो इसलिए हम लोग हमारे ये जो दो कैरेक्टर्स हैं हम लोग इस तरीके से नहीं मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है तो फिर सिंदूर की जो कीमत है जो एक डायलॉग है कि मतलब एक जो सिंदूर की कीमत तुम क्या जो उन्होंने तो वो डायलॉग का मतलब इससे आपको कितना मिश्र कितना समानता मिला है और कितना सीखने को मिला है सबसे पहले तो इसमें जो सिमिलैरिटीज है मतलब जो मूवी में बताया था कि सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू और हमारा शो है सो बेसिकली हमारे शो में भी यही बताने का हम ट्राई कर रहे हैं कि सिंदूर की जो कीमत होती है वो सिर्फ बोलने के लिए सिंदूर नहीं है बट इसके बहुत सारे चीज़ होते हैं जैसे मतलब जब एक औरत सिंदूर लगाती है तो सिंदूर के साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है मतलब वो अपने आप को छोड़ के अपने पति की रक्षा करती है अपने इन लॉज की रक्षा करती है यहाँ तक कि अपने बच्चों की रक्षा करती है और उसके जो भी खुशी होते हैं और जो भी अरमान होते हैं वो सबको पहले साइड में रख के यू नो लाइक एक औरत का फ़र्ज़ निभाती है सो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते आता हूँ थोड़े देर में हाँ सो ये है सिंदूर की कीमत प्रतीक सर जैसा कि आपने एमएस क्लेयर पे किरदार किया काफ़ी फेमस हुआ था उसके बाद आपने एक एनटीवी भी किया श्री कृष्ण परमावतार श्री कृष्ण दो से आप काफ़ी फेमस हुए हैं उसके बाद अभी कर रहे हैं तो कितना उस जर्नी से लेकर अभी तक कितना बदलाव आया है और कितना लगता है कि और आना चाहिए लाइफ में चेंजेस तो हमेशा आते ही रहते हैं मतलब आप समय के साथ बदलते रहते हो तो ऑब्वियसली चेंज तो बहुत एज अ पर्सन भी मैं बहुत चेंज हो गया हूँ एज एन एक्टर भी बहुत चेंज हो गया हूँ और ऑब्वियसली बहुत सीखने को मिल रहा है जैसे जैसे मैं यू नो लाइक एक्टिंग में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ क्राफ्ट पे पॉलिश कर रहा हूँ और जैसे जैसे अभी जैसे ये मैं शो भी कर रहा हूँ तो इससे भी बहुत सीखने को मिल रहा है और अच्छा एक्सपीरियंस है मज़ा आ रहा है कि अभी सिंदूर के टीवी दंगल टीवी पे आता है सिंदूर की कीमत दंगल टीवी पे भी काफ़ी फेमस सीरियल है काफ़ी लोग पसंद करते हैं तो सिंदूर की कीमत में आपका जो किरदार है लोगों को कैसे प्रभावित करता है या फिर किस तरह का किरदार है थोड़ा बताना चाहेंगे आप सो बेसिकली ये शो में जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ उसका नाम अश्विन अवस्थी है वो अवस्थी खानदान का रियल बेटा है और सबसे छोटा लड़का है
बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है। मतलब जैसे इन रियल लाइफ में भी मैं प्रतीक चौधरी जैसा हूँ, सच बताऊँ तो बहुत ही सिमिलर है, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ और अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सो अश्विन अवस्थी भी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है और बहुत ही मस्ती हो रहे हैं, हैप्पी गो लकी टाइप का बंदा है। अगर सपोज़ घर पे कुछ सीरियस सिचुएशन चल रहा है तो उधर भी वो ट्राई करता है कि यू नो लाइक अपने फैमिली को संभाले, और प्लस कुछ थोड़ा सा हंसी मजाक करके चीज़ों को बहुत लाइट कर देता है, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। एक सवाल और कि जो सेट का माहौल होता है, जैसे कि सीरियल में फैमिली के ही कहानी दिखाई जाती है, तो सेट पे भी फैमिली जैसे मेंबर तो आप बन ही जाते होंगे सब लोग आपस में, तो उसमें जलन का बू आती है या फिर ममता रहती है? समझा नहीं। जैसे आपस में सेट में जो आर्टिस्ट लोग हैं आपस में कैसे बनती है? नहीं हाँ, नहीं ये सब लकीली आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल, क्योंकि हमारी जो कास्ट है, क्रू है, प्रोडक्शन के लोग हैं, बहुत ही सॉर्टेड है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमारे सेट पे तो नहीं हो रहा, 4-5 महीने हो गए हमें शूट करके। इनफैक्ट ये सच बताओ तो एक फैमिली सा लगता है, ऐसा लगता नहीं कि मैं सेट पे आ रहा हूँ। आप भी अगर हम लोग को देखोगे तो हम लोग एकदम यू नो लाइक बैठ के बात बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी तरह का कुछ भी यू नो लाइक है। इनफैक्ट मुझे, मैं जिस दिन मेरा शूट नहीं होता है, जो कि हार्डली ऐसा आजकल नहीं हो रहा है, तो मैं घर पे मैं बोर हो जाता हूँ, ऐसा लगता है कि सेट पे जाऊँ और अपनी ये दूसरी फैमिली के साथ बैठूँ, चिल मारूँ। सो यही है। बच्ची टीम की तरफ से भी आप सबको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, हैप्पी रिपब्लिक डे। फोटो ले फटाफट और फिर एक साथ में प्रतीक और ये तीनों की ले लो। हीरो आ जाओ, कैसा एक से इंसान से एक साथ में फोटो तो ले लें, फिर बाइट में ले लूँगा। आओ वैभव आ जाओ फोटो के लिए। हाँ फोटो ले। अरे चलो जय हिंद।